गाइस कल ना मैंने एक वेब सीरीज देखी, वो भी एक रिकमेंडेशन पे। वो रिकमेंडेशन मेरे एक किसी जान पहचान के आदमी ने या किसी ने दिया है कि ये सीरीज आप जरूर देखना, क्योंकि इसमें आपके काम से रिलेटेड बहुत सारी चीजें मेंशनड है। लेकिन मैं आपको एक चीज बता दूं कि मैं वेब सीरीज में बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करता। मैंने आज तक गिने चुने वेब सीरीज देखे होंगे जो कि बहुत बेस्ट लेवल की रेटिंग ला चुके थे, उसके बाद मैंने उसको देखा। ऐसा नहीं है कि मैंने पहले देखा फिर मैंने लोगों को रिव्यू दिया। मैं बिल्कुल टाइम वेस्ट सच में नहीं करता। लेकिन कल वाली सीरीज में 50-50 मिनट के एपिसोड थे और 8 एपिसोड थे, और आप यकीन मानोगे कि मैंने एक ही बार में उन एपिसोड को सारे खत्म कर दिया। इतना मुझे मतलब उसमें इंग्रॉस्ड हो गया कि मुझे पता ही नहीं लगा यार कब मैं पूरा दिन खा गया अपना, क्योंकि मैंने अपने वर्किंग आवर्स में देखा था। उसमें कुछ था ही ऐसा कि वो मेरे सच में काम से रिलेटेड था और मेरे फ्यूचर से रिलेटेड था, इसीलिए मुझे देखना पड़ा। और मैं आपको आज उस सीरीज के बारे में तो नहीं बताऊंगा, लेकिन उस सीरीज में कुछ पॉइंट्स हैं जिन पॉइंट्स को आपको जरूर जानना चाहिए और आपको उसको जनहित में फैलाना चाहिए, जिससे हमारा समाज जो है इन प्रयोगों से बच सके और कहीं ना कहीं उसके जो आने वाले कंक्लूजन है उसको हम बिल्कुल खत्म कर सके, क्योंकि उसका कंक्लूजन बहुत ही डिवास्टेटिंग मतलब भयानक होने वाला है। मैं बात कर रहा हूं गाइस असुर सीरीज की, असुर 2। मैंने असुर 1 भी नहीं देखी और असुर 2 का भी मेरा कोई प्लान नहीं था, लेकिन जस्ट बिकॉज कि कल पूरी देख ली इसलिए मुझे आज ये वीडियो बनाना है। हालांकि मुझे पता है कि आज वाला वीडियो मेरे निच से रिलेटेड नहीं है कि मेक मनी ऑनलाइन या डिजिटल मार्केटिंग का कोई भी इसमें पार्ट नहीं है, लेकिन जहां पर मैं एक समाज का इंसान हूं, मैं भी आपके कम्युनिटी का मेंबर हूं, जिसमें एटलीस्ट मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये बनती है मैं आने वाले कुछ डेंजर्स जो कि हमारे पे हावी हो सकते हैं उनसे मैं आपको वाकिफ कराऊं और आपको सेफ चलने की एक अच्छी सी नसीहत दे पाऊं। ये मेरी कोशिश रहेगी आज वाले इस वीडियो के अंदर। तो आप वीडियो को जरूर देखना और मैं आज लाइक करने के लिए भले बोलूं ना बोलूं, लेकिन शेयर करने के लिए बोलूंगा ताकि आपके दोस्त रिलेटिव इस चीज से अपने आप को जल्दी से जल्दी सेफ कर पाए। गाइस असुर 2 सीरीज पूरी तरीके से ना डेटा और AI के बेस पे बनाया, एक तबाही के ऊपर बनाया गया है। मतलब इसमें हम जो डेटा अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स या किसी भी प्लेटफॉर्म को दे रहे हैं वो डेंजर कितना है, और उस डेंजर का इस्तेमाल अगर AI के हाथ में लग गया गाइस AI दुनिया में प्रलय ला सकता है। तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत भयानक साबित होने वाला है, क्योंकि इलॉन मस्क ने ऐसे नहीं बोला कि AI न्यूक से ज्यादा खतरनाक होने वाले हैं आने वाले दिन में। जितना हो सके हमें इसको बंद कर देना चाहिए या इसको फिलहाल के लिए रोक देना चाहिए। हमारी जनरेशन में AI का अभी इस्तेमाल की कोई फिलहाल जरूरत नहीं है। इलॉन मस्क जो इतने बड़े बड़े टेक्नोलॉजी पे काम करता है, अगर वो बंदा ये कह रहा है तो गाइस उस बात को नजरअंदाज नहीं कर सकते। पहले मुझे भी लगा था यार इलॉन मस्क ऐसा क्यों कह रहा है, उसके टेस्ला के कार तो खुद AI पे बनते हैं, और बंदा कह रहा है कि यार AI हमें आज की जनरेशन में जरूरत नहीं है, इसको बंद कर दो, फ्यूचर में कभी जरूरत होगी तो होगी। लेकिन बात बिल्कुल सही निकली जब कल मैंने वो सीरीज देखा और मुझे वो वाला दृष्टिकोण वो वाला एंगल देखा जिस एंगल से डेटा और AI का मिशन खतरनाक तरीके से आपको और हमको बर्बाद कर सकता है। उस सीरीज के अकॉर्डिंग AI आपके पूरे कंट्री का विनाश कर सकता है विदाउट परमाणु बम गिराए, विदाउट कहीं धमाका करे, विदाउट गोलियां चलवाए, ये आपको खत्म कर सकता है। रीजन तो आज इस वीडियो के दो पहलू होंगे, दोनों समझाने की पूरी कोशिश करूंगा और कितने खतरनाक है इनसे आपको बचने के टिप। खैर मैं कोई बहुत बड़ा आदमी नहीं हूं कि बहुत विशेषज्ञ नहीं हूं कि मैं आपको टिप दे पाऊं, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि जो मैंने प्लान किया है वो मैं बता दूं, अगर आपको अच्छा लगे या समझ में आए तो आप उसे अप्लाई कर पाओ अपने इस लाइफ के अंदर। स्टार्ट करते हैं डेंजर नंबर 1, द डेटा। डेटा क्या होता है गाइस कि आज की डेट में जितनी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, आप जहां पर भी सोशल मीडिया अकाउंट बना रहे हो या जो भी ऐप आप डाउनलोड कर रहे हो अपने मोबाइल पे, वो आपसे 2-3-4-5 परमिशंस मांगता है अलाउ करने के लिए। नंबर 1 आपके कॉन्टैक्ट्स का, नंबर 2 आपके मैसेजेस का, नंबर 3 आपके कैमरा का, नंबर 4 आपके माइक का, नंबर 5 आपके जीमेल का। तो जब ये आप अलाउ करते हो ना तो एक्चुअली में आप अपनी गर्दन इन एप्स और इन वेबसाइट के हाथ में दे देते हो, क्योंकि वो जैसे ही आपसे अप्रूव करवा लेता है गाइस उसके पास 100% राइट हो जाता है कि वो आपको हमेशा वॉच करे। और ये सत्य वचन है दोस्त, सत्य वचन। मतलब कोई ऐसा अगर ऐप है जिसको आपने ऑल टाइम अलाउ कर रखा है तो गाइस वो आपको ऑल टाइम सुन रहा है, नो डाउट कि आप उस टाइम पे उस फोन को इस्तेमाल कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, क्योंकि इस चीज से ही इन कंपनीज के एडवर्टाइजमेंट में फायदा होता है, इनको अच्छे कस्टमर्स मिल पाते हैं। एग्जांपल दे रहा हूं सिंपल सा, आज से पहले आपने ये चीज नोटिस जरूर की होगी कि आप कुछ भी बोल रहे हो या कुछ भी सोच रहे हो और अपने
फ्रेंड से डिस्कस कर रहे हो, आप जब नेक्स्ट टाइम सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म में जाते हो, आपको उसके एड्स दिखने शुरू हो जाते हैं। ये सिंपल क्या है गाइस, ये भगवान तो है नहीं लेकिन भगवान वाले रोल निभा रहे हैं। कैसे? वो आपके माइंड को रीड कर ले रहे हैं। इसका सीधा टेक्नोलॉजी बताऊंगा, इससे कोई चमत्कार से कोई रिलेशन नहीं है गाइस। इसका सिंपल सा रीजन है कि वो आपके डेटा को ऑल टाइम ट्रैक कर रहे हैं, आपके माइक को, आपके कैमरे को, वो ऑल टाइम आपकी फोटोज देख पा रहे होंगे, आपको सुन पा रहे होंगे, आप किसको उसको फोन कर रहे हो, आपको किसके मैसेजेस आ रहे हैं, ये सारा ट्रैक कर पा रहे हैं। लेकिन उस ट्रैकिंग का इस्तेमाल फिलहाल ये सिर्फ अपने एडवर्टाइजर्स को फायदा पहुंचाने के लिए कर रहे हैं, क्योंकि उनके एडवर्टाइजर्स को इसका ये बेनिफिट हो रहा है कि राइट ऑडियंस टारगेटिंग का फायदा उनको मिल रहा है। लेकिन बात यहां तक सीमित नहीं हो गई गाइस। कल उस सीरीज के अंदर मैंने एक चीज और देखी कि डेटा कलेक्शन तक तो बात ठीक थी कि चलो हमारा डेटा इस्तेमाल हो रहा है, और इतनी बड़ी कंपनी जब है तो इतनी बड़ी कंपनी हमारा डेटा का गलत मिसयूज नहीं करेगी, जो कि बहुत डेंजरस लेवल पे हो जाएगा। लेकिन डेंजर नंबर टू पिक्चर में तब आता है जब AI में वो डेटा फीड होता है। अब जब AI में वो डेटा फीड होता है तो गाइस AI भगवान बनने के रोल में फिट हो जाता है, क्योंकि AI उस डेटा का इस्तेमाल करके आपके पूरे डेटा से आपका बिहेवियर निकाल के एल्गोरिदम को प्रोसेस करके प्रोबेबिलिटी निकाल पाता है कि आपका नेक्स्ट मूव क्या होगा। मतलब फ्यूचर प्रेडिक्ट करने में वो सक्षम हो जाता है AI, और जब वो फ्यूचर प्रेडिक्ट करने में सक्षम हो जाता है, जो कि क्वाइट विजिबल है, मैंने पूरी रिसर्च कर ली है, स्टडी कर लिया है, क्वाइट विजिबल है कि आपके फ्यूचर को वो प्रेडिक्ट कर पाएगा। और जब अगर फ्यूचर प्रेडिक्ट हो जाता है किसी का, तो गाइस ध्यान रखना, उस फ्यूचर को मैनिपुलेट वो कर सकता है जिसको पता है कि इसके चांसेस कितने हैं फ्यूचर में ये काम करेगा। तो हमारा फ्यूचर AI आराम से प्रेडिक्ट कर सकता है। इसका सिंपल मैं आपको लेमन लैंग्वेज में समझा देता हूं कि ये कैसे होने वाला है। देखो क्या होगा, मैं अगर किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को एक्सेस दे रहा हूं और वो सारी चीजें मेरी जो है वो डेटा ऐसा बनाता हुआ चल रहा है, एग्जांपल, अब वो इस डेटा का करेगा क्या, उसको प्रोसेस करना है ये देखने के लिए कि मैं कौन सी चीज में कैसा बिहेव करता हूं या कैसे रिएक्ट करता हूं। तो अगर अब मेरा बिहेवियर जो है 90% चीजों में ये है, फॉर एग्जांपल, तो आने वाले टाइम में भी किसी और चीज में मेरा बिहेवियर रिएक्शन उस चीज में वही होगा, क्योंकि 90% का एक रेशियो है। इसको कैलकुलेट करने के लिए ना AI को रखा जाता है कि मेरा बिहेवियर ट्रैक करके बताओ कि इसके ये वाले काम को करने के चांसेस कितने हो जाएंगे, जिसे कहते हैं प्रोबेबिलिटी। और उसको जब सुपर कंप्यूटर्स में या बड़े बड़े मशीन्स में उसकी प्रोसेसिंग लगा के परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन निकाल के प्रोबेबिलिटी चेक की जाती है, तो एकदम एक्यूरेट से ऑलमोस्ट आंसर निकल आता है कि भैया ऋषिकेश रॉय नेक्स्ट टाइम भी इस एड पे ये क्लिक करके इसको बाय कर लेंगे। तो हो गया ना फ्यूचर प्रेडिक्शन। तो गाइस कल सीरीज को देखने के बाद तो मैं बहुत चौंकन्ना हो गया हूं। मैंने अपना फोन उठाया और मैंने सारे ऐप्स को जिसको मैंने कॉन्टैक्ट्स मैसेजेस या कैमरा का अलाउंस दे रखा था कि आप यूज कर सकते हो इस ऐप को इस्तेमाल करने के लिए, मैंने सबको हटा दिया जस्ट बिकॉज ये डर के कि कल मुझे कोई कंट्रोल ना कर पाए, मेरा डेटा इतना ज्यादा ना हो, मेरे फोटोज या मेरे वॉइस ऐसा कुछ ना हो जिससे कल मुझे कोई ब्लैकमेल कर पाए। क्योंकि उस सीरीज में ये दिखाया गया है कि आपके डेटा का इस्तेमाल करके आप लोगों को एक दूसरे के खिलाफ भड़काया गया, उससे दंगे कराए गए, दंगे से पूरा शेयर मार्केट क्रैश हुआ, शेयर मार्केट क्रैश होते ही इंडिया का फाइनेंशियल सिस्टम क्रैश हो गया, इंडिया का फाइनेंशियल सिस्टम क्रैश होते ही सब एक दूसरे में क्योस हो गए और इस तरीके से पूरी कंट्री बर्बाद कर दी गई, पूरा साफ दिखाया गया। और ये सब सिर्फ एक बंदे ने करके दिखा दिया, सिर्फ AI और डेटा को मिलाने के बाद। खतरनाक सी सीरीज है, मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा। देखना, मैं ऐसा कोई प्रमोशन तो कर नहीं था, देखो कहीं लिखा है स्पॉन्सर्ड, कहीं लिखा है इंक्लूड प्रमोशन, कोई प्रमोशन नहीं है दोस्त, मैं अपना सच बात बता रहा हूं जो मैंने कल फील किया, बाकी आपकी मर्जी है। आज का सेशन मुझे पता है कि मैंने आपको कोई मेक मनी ऑनलाइन या डिजिटल मार्केटिंग पे कोई भी एक कंटेंट नहीं दिया है, तो उसके लिए अगर आपको लग रहा है कि आपको बुरा लगा यार, तो मैं उसके लिए सॉरी बोलना चाहूंगा। लेकिन ये वीडियो भी बनाना जरूरी था आप लोगों के लिए, क्योंकि मुझे पता है कि मैं AI को बहुत ज्यादा सपोर्ट करता हूं, तो उसका एक बैड पार्ट या इसका नेगेटिव पार्ट भी मुझे ही बोलना था, तभी जाके मैं आप लोगों से अनबायस्ड हो सकता हूं, वरना आप बोलोगे यार मैं AI के लिए बायस्ड हूं, तो इसलिए मैंने बनाया, अदरवाइज मेरा कोई और मोटिव नहीं था। बाकी गाइस मिलते नेक्स्ट वीडियो में, इस वीडियो को जितना चाहे उतना शेयर करो, बहुत बहुत जरूरी है, और समाज में ये बात फैलानी जरूरी है कि हम कैसे आने वाले भगवान से, जो कि आर्टिफिशियल भगवान है, उनसे बच सकते हैं, क्योंकि एक्चुअली में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो असुर बन सकता है अगर हमने इंसानों ने उसको ढंग से इस्तेमाल नहीं किया। तो गाइज जहां जहां आपने डेटा दे रखा है, जहां जहां आपने एक्सेस दे रखा है, कंट्रोल कर लो, बाकी आपकी मर्जी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गाइज बाय, और यूं ही मुस्कुराते रहिए।